पूछे बताइए। मेरा नाम विनोद कुमार बर्नवाल है, श्री शांति समिति के सदस्य हैं और मेरे साथ सभी छोटे बड़े और लोग हमारे साथ लगे हुए रहते हैं और माता रानी का इस बार चंडी के रूप में विराजमान है और माता रानी की हम लोग जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं कि उनसे बढ़िया से बढ़िया स्वरूप उनका देते रहें। और 4 तारीख को जागरण है और 6 तारीख को भंडारा हम लोग किए हैं, उसमें हमारे बड़े भाइयों का भी सहयोग है, जिसे हमारे अध्यक्ष जी हुए और कोषाध्यक्ष हुए और उप मंत्री हुए और संगठन के जितने भी हैं सब पदाधिकारी सब लोग हैं, हमारे विकास अग्रहरी और बिक्कू और करी सबका सहयोग रहता है। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं सभी बच्चे जो कलाकार हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा और कोई भी जितना भी हो सके अगले साल उससे बढ़िया हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नाम परिचय। मैं सुशांति समिति का अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रहरी आला। कितने वर्षों से शिव शांति का मूर्ति बैठ रहा है, क्या इसकी विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि माँ का स्वरूप जो है शीतला माँ का मंदिर बगल में है, उसको देखते हुए माँ की जागरण और यहाँ स्थापित करने का सभी लोग का विचार आया, जिसके संस्थापक राजकुमार पटेल जी और संजय चौरसिया जी थे और उसमें हम लोग के सब बड़े भाइयों का सहयोग था। कितने लोगों का भीड़ जुटता है भंडारे में? कम से कम भंडारे में तो 3 से 4 हज़ार लोग के जो भीड़ जुटती है और जागरण में भी लगभग 1000 लोग की व्यवस्था हो जाती है जागरण देखने वालों की। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो कलाकार काम कर रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना? हमारे सब नन्हे मुन्ने कलाकार हैं इस समिति के, जो है शिल्पकार हिमांशु अग्रहरी जो ये बच्चा है मूर्ति बनाया हुआ है और सहयोग में सुमित गुप्ता है, इन्होंने भी सहयोग से मूर्ति छोटा माँ का स्वरूप बनाया है और रुद्रा डीजे वाले के तरफ से पूरे लाइट की सजावट और पूरी सारी सुविधा इन्होंने देखभाल किया है जो सभी लोगों को अच्छा लगा। अपने ओर से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अपने लोग से यही कहेंगे कि माँ के स्वरूप से लग के अच्छे से अच्छे प्रोग्राम दें और माँ का पूजा निर्माण अच्छे से हो जाए। भंडारा जागरण का कब आयोजन है? भंडारा का आयोजन 6 नवंबर को है दिन सोमवार और जागरण का जो है 4 नवंबर दिन शनिवार। जो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे सहयोग के रूप में आएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। मैं शिल्पकार हिमांशु यहाँ शिव शांति समिति की माता भवानी की मूर्ति के निर्माण का कार्य लिया हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ की मूर्ति बनाने में और यहाँ जैसे समिति हमारे परिवार की तरह है। और इतना अद्भुत मूर्ति जो कि देख करके काफ़ी पसंद लोगों को आया, क्या समझ आया दिमाग में, किस चीज़ों को लेकर के आप शिल्प कलाकार का ये प्रदर्शन किया? जब हमने छोटा से स्टार्ट किया था छोटी छोटी मूर्ति बनाते बनाते, फिर आगे जाकर समिति की सहायता से और बड़ी कोशिश की गई, मतलब एक उम्मीद मिली हमको समिति की तरफ से मूर्ति बड़ा बनाने के लिए और ऐसे ऐसे करके और सीखते गए और इतनी बड़ी मूर्ति का आज निर्माण हुआ। समिति का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है और माँ का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ हूँ। क्या कहना चाहोगे अपने समिति के लोगों को? ये समिति के सारे सदस्य, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सब लोग बहुत अच्छे हैं और संरक्षक के सारे लोग परिवार की तरह है, कोई भी भेदभाव नहीं, हर चीज़ में सहयोग करते हैं, हमेशा हर काम में पूछते हैं और कभी भी यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि हम लोग बाहर के लोग सब एक जैसे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।